हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, अवध वीवी कॉपियों के पूर्व मूल्यांकन को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। जानिए क्या है इसकी पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो के दरमियान। जैसा कि बता दें आपको, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा का परिणाम खराब आने पर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जी हाँ, बुधवार को कई महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों ने वीवी परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और कॉपियों को पूर्व मूल्यांकन की मांग की। तो वही छात्रों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित से मिला और ज्ञापन सौंपते हुए मूल्यांकन पर सवाल खड़े किए। हालांकि कुलपति प्रोफेसर दीक्षित ने सैंपलिंग के आधार पर मूल्यांकन करने का आश्वासन देते हुए छात्रों से चैलेंज इवेल्युएशन व्यवस्था का सहारा लेने की सलाह दी। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, अवध वीवी की मुख्य परीक्षा के परिणाम से आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को वीवी गेट से लेकर कुलपति कार्यालय तक प्रदर्शन कर नारेबाजी करते रहे। छात्रों के आंदोलन की वजह से वीवी परिसर में दिन भर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात रही। आंदोलित छात्रों ने कॉपियों की पूर्व मूल्यांकन की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं आंदोलित छात्रों को वीवी के कार्यवाहक चीफ प्रोटेक्टर प्रोफेसर हिमांशु शेखर सिंह से लेकर पूर्व चीफ प्रोटेक्टर प्रोफेसर एमपी सिंह ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने एक भी नहीं सुनी और परिसर में धमाचौकड़ी मचाते रहे। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।